तुस दिखा दे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास डोगरी प्रोग्राम। अस अज तुसेंगी जिस खबर गी दसना चाहने वो खबर नहीं है, तुसेंगी जरूर तुहाडे रोंगटे जरूर खड़े होंगन कि अज भी इस दुनिया के बिच जिहड़ा ऐसियां पंचायतां जिन्हें पंचायतें दे बिच मोबाइल नैटवर्क नहीं है, जिन्हें पंचायतें दे बिच जिहड़ी बिजली की तार नहीं पुज्जी पाई है, वो लोग अज भी जिहड़ा आदि मानवासी जीवन जिहड़ा जीने की मजबूर न। ये रियासी की पंचायत जिहड़ी हरोड़ कोट पंचायत है, तहसील बमाग है, और ये बदकिस्मत पंचायत है कि इस पंचायत तक ना गई सड़क पुजी सकी है, और बच्चे दे बिच जिहड़ी है काफ़ी प्रतिभाशाली बच्चे जिहड़े न वो हुनरभावी बच्चे न जिहड़े पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्दे आस्तै कोई फैसिलिटी जिहड़ी प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, इन्दे आस्तै बेहतर कोई एक स्कूल जिहड़ा है वो उत्थे अज दिन तक नहीं पुजी पाया। सरपंच पंच जिहड़े न वो अज दिन तक नाकामयाब उत्थे तक हर एक फैसिलिटी पहुँचाने वास्ते, खास तौर पर हरोड़ कोट पंचायत जिहड़ी बमाग की दूर दराजी पिछड़ी पंचायत है, और इस पंचायत के बिच अज दिन तक मोबाइल नैटवर्क का कोई सिग्नल जिहड़ा वो उत्थे टच नहीं करता है। लोग जिहड़ा कुसे कन्नै गलबात करने वास्ते जिहड़े न कई किलोमीटर जिहड़ा पैदल चढ़ते हैं, चढ़ाई चढ़िए जिहड़े न पहाड़ पर जांदे न, फिर उत्थे नैटवर्क आता जाइए, फिर उत्थे जाइए कुदै अपने भराए का जिहड़ा दुख सुख जिहड़े न फरोलदे न। अज भी तुस अंदाजा लगाई सकदे हो कि डिजिटल इंडिया की तरफ जिहड़ा साडा पूरा भारत देश अगड़ा गल करा दा, हुण कोई भी गल जी है आपू ऑनलाइन तुम जी है वो सारे कन्नै करी सकते, वीडियो कॉल करी सकते, तुम ऑनलाइन चैटिंग करी सकते हो, लेकिन अज के दौर तुसेंगी डिजिटल इंडिया तो डिजिटल इंडिया उत्थे तक कोई नामो निशान जिहड़ा उत्थे तक नहीं पुज्जदा। ये नाकामयाबी जिहड़ी है रियासी एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामयाबी है, और पंचायत जिहड़े सरप्रस्ती जिहड़े नेता है उनकी जिहड़ी नाकामी है, और खास तौर पर गल करचै विधानसभा चुनाव दी इलैक्शन जिस वेले भी होंदियां या मैंबर ऑफ पार्लीमेंट दी इलैक्शन होंदियां तो हर वेले जिहड़े ने राजनेता लोग जिहड़े ने उत्थे बखान करने की जरूर जांदे ने। ये बिजली पानी का गै दावा स्कूल का गै दावा हर बारी उत्थे करी आंदे ने, लेकिन इन्हें लोगों की अज दिन तक हरोड़ कोट पंचायत की खास तौर पर कोई भी फैसिलिटी जिहड़ी है वो नहीं लभी है, और खास करिए ये लोग जिहड़े न अज भी जिहड़े न पलायन करने की मजबूर होई जांदे न, माइग्रेशन जिहड़ी उत्थों होना शुरू होई जांदी है। ये रियासी आनी अपने बच्चों की तालीम जिहड़ी है ना दिंदे ने, कि इन्हें भी अपने बच्चों की पढ़ाने की एक ख्वाहिश रखी दी है, एक सपना जरूर संजोए दा है, लेकिन उस सपने की अगर इनके ग्रां दे विच अगर मुहैया करवाया जाए इन्हें लोगों जिहड़ी है समस्या कोला दो चार होने तो कुदै ना कुदै परे जरूर होंदा है। अज दोषी जिहड़े ने जिला एडमिनिस्ट्रेशन रियासी जरूर दोषी है, हुण रियासी जिला एडमिनिस्ट्रेशन इहदी जिम्मेदारी जरूर लाओ कि अज दिन तक उत्थे सड़कां क्यों नहीं पुज्जियां, उत्थे दे बिजली क्यों नहीं पुजी पाई है, उत्थे मोबाइल नैटवर्क क्यों नहीं पुजी पाया है। टैलीकॉम कंपनियां भी लाख दावे कर दियां कि इसे 4G जिहड़ा है वो संचालन 4G दा करी उड़िया, 5G दा संचालन करी उड़िया, लेकिन अज दिन तक रियासी दी हरोड़ कोट पंचायत दे विच जिहड़ी है गल करने वास्तै सिग्नल जिहड़ा है 2G तक नहीं पुज्जे दा, और ये नाकामयाबी जिहड़ी है रियासी एडमिनिस्ट्रेशन दी और तमाम टैलीकॉम कंपनियां जिन्नियां भी रियासी दे विच इस वेले अपना वर्चस्व जिहड़ियां बढ़ाई रखी दियां। हुण दिखना हो कि रियासी एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ करदी है, कि लोग अज भी पैदल चली जा दे, लोग अज भी बिना मोबाइल दे जिहड़े ने रोवा दिन, और बच्चे जी है करोना के टाइम कि उन्हें अपनी पढ़ाई जी है वो पढ़ी होग, उत्थां दे बच्चे जिहड़े ने वैल एजुकेटेड बच्चे जिहड़े ने उत्थां दे जिहड़े निकली गए दिन, जिहड़े रियासी आनिए तालीम हासिल करा दे, जम्मू आनिए करा दे, लेकिन कुछ माँ प्यो जिहड़े ऐसे होंदे जिहड़े एफर्ट्स नहीं करी पाते, जिहड़े रियासी तक भी नहीं पाई पाते, किराया तक उन्दे कोल नहीं हुंदा, लेकिन वो बच्चे जिहड़े ने अज भी घर दे विच दुबकने की मजबूर हो चुके दिन। न्यूज़ 18 नैटवर्क आस्तै करणदीप सिंह रियासी। तुस दिखा रहे न्यूज़ 18 जम्मू का खास कार्यक्रम डोगरी ग्राउंड, तो डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट सांबा की अगर गल करचै तो सांबा जिले के पिछले दिनों के बच्चे काफ़ी जी बिजली की समस्या जी होआ करती है, और लोगों की जरा कि दो चार होना होआ करता है, लेकिन अगर गल करचै डिपार्टमेंट की बखी का कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जी है नहीं दी जा करती, लेकिन लोग कुता ना कुता जे कन्नै किसानों की अगर गल करचै तो बड़ी सारी मुश्किल जी सांबे जिले में जी आवा करती है। कि कुछ गलाना लोगों का साढ़े कन्नै इतों के शहरी बने देने इन्हें कन्नै अस गल करके स्थानीय निवासी बने इन्हें कि किन्नी समस्या आवा करती, कि कुछ सूरत हाल है बिजली का डिस्ट्रिक्ट। मैं तुम दिखा कि दो महीने का इन्नी ज़्यादा प्रॉब्लम है, कभी असं गर्मियों भी इन्नी प्रॉब्लम फेस नहीं की है, क्योंकि गर्मी च पंप सैट चलते हैं इरीगेशन का इरीगे करते हैं लोग, उस कारण बिजली थोड़ी कट्टी है सानू घट मिलती है, मगर इस बारी तो सर्दियों के इन्हें यह हाल कर उड़िया कि सानू थोड़े दिन पहला अस सोमवार से इस गल पर प्रदर्शन करना पाया, और एस डी एम ऑफिस अस आए और धरना दिता, और एस डी एम के थ्रू असें एल जी के नाँ का मेमोरेंडम दिता कि कम से कम विजयपुर की हालत खुद आई अफसर देखन कि हालात है, क्योंकि अफसर जहाँ से जानबूझ जी उन्हें पता होंदे हुए भी सारा परवाह नहीं करा दे कि कौन है साढ़े लोगों की, अस लोग इं लगते कि अस जंगल च रोआ दे, अस एडा वड्डा टाउन है विजयपुर, एडा वड्डा एरिया साढ़ा, और खाली टाउन के लोगों की प्रॉब्लम नहीं आ रही, किसानों की प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे की पढ़ने की प्रॉब्लम आ रही है, और कोई निके मुटे जो बजुर्ग ने जिन्हें कि थोड़ा जहा सर्दियों दिनों थोड़ा हीटर लाने पौंदा जां थोड़ा हीट करने पौंदा उन्हें की प्रॉब्लम आ रही है,
ओवरऑल व्यापारियों की प्रॉब्लम आ रही है, जो लोग मुलाजम या जो लोग अपना प्राइवेट ऑफिस खोलिए बैठे थे उन्हें की प्रॉब्लम आ रही है, उनका काम के बिजली पर है। और बिजली की यह हालात है कि 8 घंटे ऑफिशियल कंटेनमेंट सानू दसते हैं कि 8 घंटे कंटेनमेंट है, पर 8 घंटे नहीं, मैं कहना 8 घंटे टोटल दिन रात पाइए भी 8 घंटे विजयपुर टाउन च बिजली नहीं आती है। वो असं SDM साहब अगर गुहार लगाई ही, और ये मैं गल करना चाहना कि कल की होया कि कल 9 to 3 बजे तक शेड होना 132 KV का, और ये 9 4 बजे आई, 3 दी जगह 4 बजे आई, 5 मिनट बाद बंद हुई, फिर पूछया जाकर लगे कि 5 बजे लगनी है, 5 बजे आई और 5 to 7 बजे तक 8 बारी उदा ट्रिपिंग हुई, 8 बारी वो बंद हुई, सू अद्धा घंटा भी रेगुलर। जल मैं JEE STD की फोन किया तो आखा मेरा साड़ा कोई फॉल्ट नहीं है, उनकी तार टूटी दी है, जब उनके JEE की फोन किया तो आखा मेरा तार तो 10 मिनट चलाई उड़ी, बाद सा कोई शेड्यूल लिया ही नहीं, और इनका आपू से तालमेल नहीं, और ये कारण पब्लिक रश हुआ। सवेरे का 630 ट्रांसफार्मर है सोसायटी को, ड्रापर उडेगा, ड्रापर खुल घंटा हो गया इन्हें कि फोन करते हल तक उनका ड्रापर सैट नहीं हो, आखिर महाराज JEE वो शेड्यूल नहीं दिया STD वाला, इस वास्ते ये लोगों की परवाह ही नहीं करा दे। और अस लोग जिन्हें कि अस कोई शहर च नहीं रोआ दे, अस कुतै वीरान च रोआने, अस कुतै बड़े फार फलंग एरिए च रोआने जिथे कोई पता पता भी नहीं लगता एडमिनिस्ट्रेशन, अस शहर च रोआने टाउन च। विजयपुर एक डिवेलपिंग टाउन है जिसे बिजनेस लीडिंग हैड है, हब है इतने। मैं इसे गल पर असें SDM साहब भी आखिया कि साड़ी एक तुहाड़ी प्रेजेंस एक साड़ी अफसर कने मीटिंग कराओ ताकि अस उन्हें दसी सकिए कि अस किहड़े हालात च रोआने। तो और अस अज 12 बजे SDM साहब ने मैसेज दिता कि 12 बजे अफसर आ जाए, उनके थोड़ी मीटिंग फिक्स की जी, और अस कारपोरेटर प्रेजिडेंट म्युनसिपल कमेटी और अस लोग जी उनके गल करे, और अस उन्हें ये गल आ गए कि अस एकड़े हालात सू मंजूर नहीं है, अस एकड़ी चीज़ टॉलरेट नहीं करे कि अस लोग अंधेरे च रोचे, जब लोकतंत्र देश रोने साड़ा हक है बिजली लैना, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी है गवर्नमेंट की कि 8 घंटे सानू घट देनी है, सानू 16 घंटे देनी 24 घंटे, तो कम से कम जी 8 16 घंटे देनी वो तो सानू प्रॉपर दी जा, 3 घंटे का कंटेनमेंट ते 2 घंटे बिजली आनी, ते जेड़ा कट करना ते ओ भी उसे करी उना उदे च करी उना जेड़े लोकें दे नहीं दे। अगर शेड्यूल लिया जेड़ा 9 to 3 दा शेड्यूल लिया 132 KV दा, जेड़ी 4 बजे कट होना कट हो ही जाना, उदे च ये नहीं देखना कि 7 घंटे लगातार बत्ती बंद रही है, उदे च ये चीज नहीं उन्हें कंटेन करनी कि अज लोकां 7 घंटे फेस किया अज कंटेनमेंट नहीं करदे आ। तो मेरी तुहाडे थ्रू इहो चाहना कि तुसीं अपने चैनल गल साढ़े मतलब लोगों तक अफसर तक पहुँचाओ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाओ कि विजयपुर टाउन च बिजली का बड़ा हालात खराब ने, सारी चरमराई दी। और एक गल होर आंदी कि कट होया जी लोड वधी आ, यार लोड कुत्थों वधी आ, उहा लोड पहला चलता होगा लोड अज चला रहा, कोई लोड नहीं वधिया, गर्मियों च लोड ज्यादा होंदा, सर्दियों च भावें लोग हीटर भी लगान तां वी इन्ना लोड नहीं होंदा। इस वास्ते मेरी गुहार है तुहाडे थ्रू गवर्नमेंट की कि कम से कम साड़ी सुध लाओ, साड़ा कोई हालात साढ़े ठीक करो, अस भी इस लोकतांत्रिक देश च रोने, अस भी इस देश के वासी हाँ, तो सानू पता लगे कि अस आजाद देश च रोने, साढ़े उहो लगा कि अस गुलामी च के पिता ने। जय हिंद। थोड़ा जिहा अगर गल करचे ते सरकार दी आख्या गया कि बिजली च सुधार किया जाए, बिल भी बधाई दिते गए, बिल भी डबल लई पे आने, लेकिन बिजली प्रॉपर नहीं थवा दी, की कुछ करना? देखो गलबात यह है कि पहले डिपार्टमेंट हा पावर डिवेलपमेंट डिपार्टमेंट, उत्थे एक प्रॉपर सिस्टम हा, अफसर हे जिन्हें कहने मिलते हे, उन्हें गल सुनाते हे, तो वह जी प्रॉब्लम ही उसका कोई मतलब सोल्यूशन कढ़ते हैं। और जो भी गवर्नमेंट ने इतने JPDCL बनाई दी, एक कारपोरेशन बनाई दी, JPDCL जी है वो उसी ने काम दिता था, वो जेडे इतने जो डिपार्टमेंट के अफसर ने वो आखिर बारे वो उनका काम है, तो जोड़े जो JPDCL ने कुछ लगते नहीं, उनका कुछ पता नहीं है कौन है कौन नहीं है, अगर कोई फॉल्ट पे जाता लोका मोटा या जड़ा भी है चीज़, तो यह आखिर बारे साढ़े कोई फंड नहीं है, फंड जोड़ा है दूए पास गवर्नमेंट जोड़ा है सीधा आखती है फंड इन्ना है कि सू लाने की जगह चाहिए है, और यह पता लगा सू फंड ला दे कुछ ने वो अलग है। त्रीए नंबर यह है कि जोड़ा मीटरिंग सिस्टम किया गवर्नमेंट ने, एक इंश्योर किया कि अस जिते मीटरिंग सिस्टम होगा तो उसे 24 घंटे बिजली देती जाए बगैर इंटरप्शन का, और जोड़े एरिए इतने साढ़े बाइपर के मीटरिंग भी हुई केबलिंग भी हुई, मगर अज तोड़ी उत्थे जिहड़ी बिजली का सिस्टम जिहड़ा उह उइयां वै जिहड़ा कि जिहड़ा पहले हा। तुसीं स्थानी निवासी जिंदा ये साफ कलाना हा कि लोकें की जिहड़ी आ परेशानी होया करदी है, लोकें दे कन्ने कन्ने अगर बिजनेस की गल करचै तो बिजनेस व्यापारियों भी नुकसान जिहड़ा उह करदा, और कन्ने का कन्ने अगर स्टूडेंटें की जिहड़ा है वह भी बड़ी परेशानी होया करदी है, और लेकिन इंदा यह भी गलाना कि सरकार दस्सै कि अगर बिल बधाई दिते गए ने तो बिजली की नहीं दी जा करदी, और बिजली के इन्नी ज़्यादा कट जिहड़े ने होया करदे उहदी वजह कन्ने कई सैक्टर जिहड़े ने वह नुकसान च जा करदे, सरकार की इहदे वल ध्यान देना चाहिए, और जल्दी सां जल्दी कदम चुकी है इहदे वल बखी ध्यान देई है, तो बिजली
ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਸਾਂਬਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम तो तुम स्वागत है। तो सनाओ कि अज राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लिए जो जम्मू कश्मीर पूजा करते हैं। तस्वीरें तुम्हें मैं दसना चाहूँगी एक बार तैयारियां जीडिया इतने जोरें पर तुम दिखा करते हो कि बड़ी बड़ी हो लगी दी ना। और सब तो पहला गल करचे मैं दसना चाहूँगी महाराजा गुलाब सिंह हुंदी जिहड़ी प्रतिमा इत्थे राहुल गांधी होर है इत्थे उन्हें ही श्रद्धांजलि वेट करनी है। इत्थे फुलमालाएं चढ़ानी है। उहदे बाद जिहड़ा है अगला कार्यक्रम होने ना इस विशे वास्ते इस मसले पर गल करने वास्ते इस मुद्दे पर गल करने वास्ते साढ़े कन्नै कुछ कांग्रेस नेता जुड़ा करदे ने। पुछने आ कि किन्नी जिहड़ी इहदे च अज्ज एनर्जी बनी दी है इस यात्रा वास्ते। जी सर मैं पवन शर्मा कांग्रेस सेवा दल दा कना इत्थे जम्मू दा कठुए दा प्रधान। और गल है कि जिते तक तुम्हें जी गल आखी है कि साढ़े च पूरा इसलिए साढ़े कांग्रेस के वर्करी तो नया नया नवा जोश लगे आएगा ही आएगा। लेकिन आम लोगों इन्ना उत्साह है लोग एक बखे दिखे कहते हैं कि लोग सारे बखो परेशान लेकिन राहुल हमने जो स्टैप लिया और जो कन्याकुमारी तो शुरू की उन्हें यात्रा और एक जन सलाह जो पूरा हिंदुस्तान जरा एक बखे इकट्ठा हुई है और जिन्हें भी कांग्रेसी के जो लोग आए वो जुड़े जुड़े नाल। लेकिन जेडे लाइक माइंडेड लोग है जो सैकुलर लोग है अज तुम्हें देखा होना कि सारे पक्ष डोगरा स्वाभिमान संगठन होए नैशनल कॉन्फ्रेंस होए पीडीपी होए सारे लोग जोड़े ना वो अज दिखे थे राहुल गांधी वाले पक्षे और आम लोग जोड़े ने उन्हें तो बिल्कुल एक आशा की किरण लभे करती है राहुल कि हाँ भी इस बंद ने साढ़े हक की गल कोई आवाज उठाई सदा। लेकिन बीजेपी ने जो पूरी स्टेटें किया इनका कोई मेजारिटी नहीं भी होता भी आखते हैं कि महाराज सरकार अहम बनानी हूँ तुम पिछले दिन देखा होना दिल्ली जी ने ड्रामा बनाया इनकी कना दूए पार्टी की 134 सीटा दे इंदियाँ 100 तो आखते महाराज नहीं मेयर साड़ा बनना भी लोग जोड़ा बोलता उसी दवाई देने कुछ ईडी कुछ सीबीआई। लेकिन हूँ जो कि राहुल गांधी जो कला शख्स है जो पूरे हिंदुस्तान जरा कि बीजेपी का डटी मुकाबला करा करता और बिल्कुल खुली चुनौती दे करता भी तो कना तो तुम गलत की गलत आखने की साज रखो और उन्हें हल दिखिए सारे लोगों की एक आशा की किरण लभे करती है कि नहीं एक बंदा तो आ जरा खलोते और सड़कें उपर है इन्हें उसी बदनाम करने की पूरी कोशिश की कि महाराज ये शहजादा एक सिल्वर स्पून के मूँह च है। लेकिन वो जरा आंधी तूफान बरखा सर्दी गर्मी लोगों कुछ चलेगा वो आम लोग कैसे चलेगा। बिल्कुल एक कांग्रेस कार्यकर्ता है जोश इन चेहरे वो साफ लोभा करता उन्हें सुनाया कि यात्रा जी है अज शामी जी थोड़ी देर बाद इतना पुजी जानी है और लोगों से काफ़ी उत्साह इन बने दिया। कुछ और भी साथी साढ़े जुड़ा करते हैं। जी सर के नाम मेरा नाम राजेश शर्मा। राजेश जी कुत्थों आए हो? मैं जम्मू तो आया जी। क्या दिखा दे यात्रा कि बदलाव लिया? मैं तो पार्टी वाले ने एक मैंबर बनाया था कल्चर कमेटी का तो उस दे बारे च ही थोड़ा जहा कंसल्ट करे करते हैं कि कितने स्टेज लगानी कितने नहीं। जिस तरह राहुल जी की स्टेज है वो साड़ी कल्चर मतलब तैयारियां तैयारियां जोर ते हैं चले। बिल्कुल जम्मू का आए हैं ना सुनाया कि तैयारियां जी जोर पर चला कर दें। कुछ साथी भी साढ़े और भी जुड़ा करते हैं। जी सर के नाम? मेरा नाम निर्दोष शर्मा है। कितनी उम्मीद दिखा रहे यात्रा को? बहुत उम्मीद है सर। जेडे साढ़े नौजवान निराश हो रहे जां 5 अगस्त 2019 जदों जड़ा इन्हें फैसला कीते दा जड़ा साढ़े पर काला कानून लाया है साड़ी स्टेट दे जेड़े टुकड़े कीते न ते अज पूरा जम्मू कश्मीर दे लोग ये दिखा दे कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है और राहुल गांधी दी तरफ दिखा दे कि सानू मुड़ियै जेड़ी साड़ी स्टेट उड़े सानू वापस मिलग। तो बड़े उत्साह है वर्करें च भी बड़ा उत्साह है लीडरें च भी बड़ा उत्साह आम स्थानीय लोगों भी बड़ा उत्साह इस यात्रा के लिए। ये स्नेहा रोग जनता पूजा करती है बड़ी जनता का ये स्नेहा है कि एक ऐतिहासिक क्षण है और इसी मिस नहीं करो। एक हिस्टोरिकल एक यात्रा है जड़ी कि विश्व के बीच मैं समझना किसी भी लीडर ने इन्नी लंबी पैदल यात्रा पूरे वर्ल्ड च नहीं की और इस पैदल यात्रा में राहुल जी कन्नै भावें 4 कदम चलने वाला हो तो 4 कदम चला जरा 20 किलोमीटर चलने वाला 20 किलोमीटर चला जिन्हें पूरी स्टेट चलना पूरी स्टेट चला और इस इतिहासिक क्षण के एक आपे भी हिस्सा बन मेरे इो सारे लोग नेता भी पूजा करते हैं। जी राहुल गांधी जी आइए तो उनके सारे को बड़े हिंदुस्तान के लीडर न सारे सारे को बड़े लीडर ने सारे क्या देखते हो बदलाव होगा लोगों के बीच? बिल्कुल 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 बदलाव होगा जी जरूर बदलाव होगा। फिर सुनहरे दिन आएंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार आग फिर लोगों की खुशहालियाँ आनगियाँ बेरोजगारों की नौकरियाँ मिलनगियाँ कारोबार के रस्ते खुलनगे। मैं समझना जम्मू कश्मीर के बीच बड़ी एक तरक्की और अमन और भाईचारा जड़ा कि सड़ा बीजेपी ने तोड़े है बड़ी हद तक वो मुड़िए इकट्ठा होगा और जम्मू कश्मीर अमन शांति होगी। बिल्कुल निर्दोष शर्मा और है और कांग्रेस के काफ़ी सारे नेता हैं साढ़े लीडर ने गल की है ना। उम्मीद रखी है कि जी यात्रा अज थोड़ी देर बाद राहुल गांधी और इतने पूजी जाना है ये उम्मीद बजा करती है कि लोग जी इतना पूजा करते हैं बड़े बड़े दिग्गज नेता पूजा करते हैं आम पब्लिक जी है मौके की सरकार को।
जी परेशान हुई है इतने इस कट्ठी हुआ करती है ताकि खिलाफ जरा इस जी सत्ताधारी पार्टी है खिलाफ मोर्चा खोली है और बदलाव का दौर जरा लिया है। लोगों भी गल की है नेताएं भी ये आखिया है कि जम्मू कश्मीर चो चाहते हैं कि नवा सवेरा जरा यात्रा करने आना है। लोग जी हैं दोस्तों के अलग अलग कोने चुंदे कने जुड़े और इतने भी बड़े सारे दिग्गज पूजा करते हैं और इन्हें उम्मीद रखी है कि रैली कामयाब होगी और जम्मू कश्मीर नया जरा इतिहास रचोग। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लखनपुर तो चरणजीत सिंह। नमस्कार, तुम देखा करते हो न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल का खास ग्राउंड रिपोर्ट डोगरी ग्राउंड रिपोर्ट शो और आज दी ग्राउंड रिपोर्ट च गल करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर च लगातार पॉलिटिकल एक्टिविटीज जड़ियां नो चलदियां रहंदियां ते अज एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी जड़ी है जम्मू च होने वाली है। एक आखां या दो आखां, क्योंकि एक तरफ जड़े महाराष्ट्र दे एमपी संजय राउत और शिवसेना दे एक सीनियर नेता जन ओ जम्मू पूजा करदे ने, उन्होंने मुलाकात जड़ी है कीती है कश्मीरी पंडता कन्ने पीएम पैकेज इंप्लॉयज लगातार प्रदर्शन करा करते हैं। दूसरी तरफ अगर अस गल करचे तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जी लगातार चला करती है, वह भी अज जम्मू यानी कि पुजने लिए अज शामी 5 बजे के कोल काल जरा जम्मू जम्मू के लखनपुर द्वार जरा उनकी एंट्री होग तो उस तो बाद अपना कार्यक्रम जरा शुरू करेंगन। तो दस्योड़े कि अज यानी कि 19 जनवरी तो लेइए करीबन 25 जनवरी तक वह जम्मू रीजन के रहने वाले जिद अलग अलग रैलियां भी करेंगन और कन्ने के लोगों के बीच जाई के भारत जोड़ो यात्रा की जड़ी उनकी अपनी एक मोटिव है उसी भी दसंगन कि कियां वो लगातार पैदल चली के जड़ी कोशिश करा कर दिन पद यात्रा करा कर दिन कि जड़ा ये जड़ी अलग अलग अपनी उनके एजेंडा है या अपना अपना जड़ा मकसद है वह उन्हें उन्हें दसने की इतने कोशिश करनी है। तो उन्हें सोचे कि सब तो पहले अज जल्द लखनपुर पुजेंगन उस तो बाद 20 तरीक जड़ा उनकी सही रैली की शुरुआत जी है अज होनी है। 19 तरीक ये भी अगला जा करता है कि जड़े चौधरी लाल सिंह होर हैं वह भी जड़े इस रैली च भाग लेने वाले हैं, उन्हें ही वेलकम करने से आपे जा करते हैं। कन्ने के जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला होर हैं वह भी इस रैली च भाग लेने से जा करते हैं और उनका स्वागत जड़े राहुल गांधी होर का वह जड़ा उत्थे करेंगन कश्मीर उधर लखनपुरी च। तो उस तो बाद ये रैली की जी शुरुआत है भारत जोड़ो यात्रा जी है उसकी शुरुआत जी है कल होनी है सवेरे 7 बजे जड़ा उनकी शुरुआत होनी है। तो उस तो बाद अलग अलग राय चलते चलते वो जड़े जम्मू पुजेंगन तो उस तो बाद जम्मू च भी एक भव्य रैली सतवारी इलाके जी है वह की जाग। तो इस अलावा कई सारे जड़े कोशिश की जा करती है राहुल गांधी के जड़े समर्थक हैं और कांग्रेस पार्टी जो समर्थक हैं वह जड़े ने ये साथ देन और कितने ना कितने ये प्रयास किया जा करता है कांग्रेस तरफा कि जम्मू कश्मीर जड़ा एक कितना कितने क्राइसिस आया उधर अगर अस करचे तो लीडरशिप का, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जड़े कि एक कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के उन्होंने अपनी एक नवी पार्टी बनाई दी है उनके द्वारा। ये अलावा कई सारी और पोलिटिकल जी एक्टिविटीज़ हैं वो कांग्रेस पार्टी च हुई हैं, कई सारे नेता छड़ी गए हैं। हालांकि हूँ हाल की घड़ी जी गल करचे तो जी दीपिका रजावत है वह भी पिछले कई दिनों तो कांग्रेस पार्टी के जड़े समर्थन करा कर दिया है कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की प्रेस कॉन्फ्रेंसा करते दे, उन्हें ही देखते होंगे हाँ अस तो उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी तो जड़ा वो अस्तीफा देता। उन्होंने आख्या कि अस लाल सिंह और जी जिंदी आइडियोलॉजी की अस फॉलो नहीं कर सकते इसकी वजह करने मैं जड़ा अस्तीफा देने दया कर दी हाँ। तो ये अलावा भी कुछ होर अगर अस गल करचे तो नेताएं ने चौधरी लाल सिंह की इस रैली की ज्वाइन करने पर कई सारे सवाल चुके हैं, जिमें कि उमर अब्दुल्ला और भी सवाल चुके हैं कि पहले जड़ा इनकी विचारधारा चौधरी लाल सिंह की विचारधारा और साड़ी विचारधारा जी अलग है और भारत जोड़ो यात्रा का मकसद कुछ होर है, यानी कि भारत जोड़ो यात्रा वास्ते मिक्स रिएक्शन जड़े आवा करते हैं। एक तरफ जिते कांग्रेस पार्टी से बड़ा इवेंट मना करती उत्थे के राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा की जी बीजेपी है वह लगातार अपोज करा करती है। असं देखिया कि कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जी है भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ने की जिद रविंदर रैना और ने आख्या कि ये भारत जोड़ो यात्रा जड़ी है वो जड़ी है तोड़ने का काम करा करती है और उदा राहुल गांधी की माफ़ी मांगनी चाहिए कि जड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी और जड़ा मकसद ही कि एक विधान एक प्रधान एक निशान ये मकसद जड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने जड़ा फुलफिल किया और अ